खुशी खोजने से नहीं मिलती, खुशी मांगने से नहीं मिलती है। खुशी मन के अंदर होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए, और उसके लिए हमने ये कोशिश की है कि एक्शन पैक्ड कॉमेडी शर्मा जी की लग गई। जैसा कि नेम इटसेल्फ स्पीक्स, वी हैव ट्राइड दैट ईच पंच इज अ वंडरफुल थिंग, एंड ऑन ईच पंच व्हेन यू लाफ, लाफिंग इज द बेस्ट रेमेडी। बिकॉज यू सी द फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ एंग्जाइटी है, एक सस्पेंस है, एक रोमांच है, एक एक्शन है, तो ये सारी चीज़ें इस टाइटल के तले अगर आपको दिख रही है तो फिल्म में भी ये सारी चीज़ें आपको खुल के दिखाई देगी, भरपूर दिखाई देगी। और ऑब्वियसली शर्मा जी की लग गई इस फिल्म में। कृष्णा अगर हीरो है, मुग्धा गोडसे अगर हीरोइन है, और मनोज शर्मा जी अगर डायरेक्टर है। फिल्म जैसे टाइटल है शर्मा जी की लग गई, तो इसमें बहुत सारे ह्यूमर पंच हैं और एक कंटेंट बेस्ड जो आजकल फिल्में चल रही हैं, एक अच्छा स्वीटली कंटेंट मैंने कोशिश की है बनाने की, और बस 2 घंटे आप हंसेंगे। इस बार एक्चुअली क्या ना कि आप फिल्म देखोगे तो मैंने कॉमेडी नहीं की, ये बहुत सीरियस एफर्ट है इसमें, और जिसे कहते हैं कि आपने सिर्फ ऐसा कर दिया कि आपको हंसी आ गई, अदरवाइज इसमें मैंने कॉमेडी कतई ही नहीं की, बिल्कुल ही मेरे लिए एक बहुत सीरियस फिल्म है। हाँ, ये मेरे लिए एकदम सीरियस फिल्म है शर्मा जी की लगती है। मैं थोड़ा ये नयापन ये है कि शूटिंग करते हुए क्या होता है, हम कई बार अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ हम जब शूटिंग करते हैं तो अलग अलग तरह का अनुभव होता है, और हम तो बेसिकली जहाँ हमारी चल जाती है तो ठीक है, नहीं चलती तो हम डायरेक्टर के एक्टर हो जाते हैं। तो इस पे यह था कि कुछ कुछ सीन हम लोगों को जब कर रहे थे तो उसमें इम्प्रोवाइजेशन का थोड़ा गुंजाइश थी, तो वो वाले सीन जब हम लोग आपस में करते थे तो उसमें थोड़ा मज़ा आया, आनंद आता था। तो देखिए आजकल कंटेंट बेस्ड फिल्में अच्छी चल रही हैं, मतलब कंटेंट अच्छा हो तो फिल्म निकल जाती है। तो जब मनोज जी ने सब्जेक्ट सुनाया था, कंटेंट बहुत बढ़िया है, इसके सीन्स हमने बहुत बढ़िया शूट किए हैं, जब हमने फिल्म देखी तो मैं खुद हंस रहा था पिक्चर देख के, और चक्कर क्या था, हम लोग इतनी कॉमेडी करते रहते ना कि खुद पर अब हंसी नहीं आती, जैसे हम अपना भी देखते हैं हम हंसता नहीं मैं ज़्यादा, लेकिन कुछ आज सीन्स देख के मैं बहुत हंस रहा था। मैं मनोज जी को बोला यार मुझे हंसी आई, तो फिर थिएटर में सब लोग हंस रहे थे, तो चलो ऑडियंस अगर हंस के चली गई तो फिल्म सक्सेसफुल हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत हैवी बजट है पिक्चर का, और कि अगर थोड़ा भी पैसा नहीं आया तो गड़बड़ है, मतलब इसमें है कि अगर ठीक ठाक भी निकल गई तो निकल गई। बहुत अच्छी पिक्चर बनी है, इट्स एंटरटेनिंग, सिंपल फैमिली एंटरटेनमेंट है, एंड सारे उम्दा कलाकार है, तो इट वाज फन वर्किंग विद देम, एंड डेफिनेटली एक अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोग जरूर जाके देखें। ऐसा काम देता ही नहीं है, मैं तो वेट करता हूँ कि कुछ ऐसा हो, लेकिन अभी कहते हैं ना डोंट री इन्वेंट द व्हील, अभी जो चीज़ चल रही है उसको चलने दो। अगर मैं कहाँ रोता धोता नज़र आया तो सबसे पहले तो मेरे को हटा देंगे, या फिर मीडिया फिर आपका उल्टा सवाल होगा, ऐसा क्यों किया आपने, ये करने की क्या ज़रूरत थी जब अच्छा कॉमेडी चल रहा था। नहीं नहीं, मैं अभी देखिए लकीली ये अच्छी बात है कि एज इज़ बाय माई साइड, ऐसा भी नहीं कि कोई अभी बहुत उम्र हो गई है, और अभी फटाफट जितने रोल मिलते हैं थोड़ा पैसा कमा लो फिर उसके बाद तो फिर घर ही बैठना है, तो ऐसा तो कोई चक्कर नहीं है। तो इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा एक बार मैं 40 क्रॉस कर जाऊँगा ना, फिर उसके बाद फिर प्लान कुछ करेंगे, कुछ अच्छा ऐसा कोई रोल मिले या मुझे कोई ऑफर करे। नहीं नहीं ऐसे डायरेक्टर के बारे में सबसे पहले मैं बोलूँगी कि मनोज जी के साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे उनके साथ मैं जब भी काम करती हूँ मुझे डेविड धवन की याद आती है, तो जो कंफर्ट और ईज डेविड जी के साथ मिलता है और मिलता था वही मुझे मनोज जी के साथ, ही इज़ दी ओनली डायरेक्टर, क्योंकि जैसे डेविड जी भी हमको इम्प्रोवाइज़ करने देते थे वैसे मनोज जी, और इतना रिलैक्स्ड वे में काम होता है कि एक्टर्स को मज़ा आता है। मूबू टीवी पे जो शो चल रहा है वो तो है ही कमाल, लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ कि एन टीवी में जल्द ही मेरा 4 मार्च को एक नया शो आ रहा है हप्पू की उल्टन पलटन।